हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद पर जानलेवा हमला। रवीश ने पूछा, जब हमला हुआ तब पुलिस क्या कर रही थी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र उमर खालिद पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में उमर खालिद को कई जगह चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद पर हमला उस वक्त हुआ जब वह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम खौफ से आजादी में शिरकत करने पहुंचे थे। उमर खालिद के वहां पहुंचते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान हमलावरों ने उमर पर फायरिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन भगदड़ में हमलावरों के हाथ से पिस्तौल छूट गई और उमर की जान बच गई। इस हमले में उमर के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई है। उमर पर हुए जानलेवा हमले पर पत्रकार रवीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फेसबुक के जरिए कहा कि उच्च सुरक्षा क्षेत्र के बीच उमर खालिद पर गोली चलाने की कोशिश की गई। अजीब है कि 15 अगस्त के आसपास कोई हथियार लेकर आ जाता है, गोली चला देता है और गायब भी हो जाता है। गौरतलब है कि खौफ से आजादी कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बैनर तले देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश में फैलाए जा रहे डर और नफरत के माहौल के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वरिष्ठ पत्रकार आरफ अखानम शेरवानी, वरिष्ठ पत्रकार अमित सेन गुप्ता, आरजेडी सांसद मनोज झा, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर, अंसारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसी देश की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इसके साथ ही हेट क्राइम का शिकार हुए पीड़ित परिवारों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी में फर्जी एनकाउंटर की तस्वीरें आई सामने। हथकड़ी पहनाकर पैर बांधकर मारी गई गोली। यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने का हवाला देते हुए सैकड़ों एनकाउंटर कर चुकी योगी सरकार भले ही इसके लिए अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से ये खतरनाक है। पीड़ित परिवार के लोगों आरोप लगा रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है और किसी न किसी राजनीतिक रंजिश या लाभ के लिए निर्दोषों का कत्ल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है योगी की पुलिस एक युवक का हाथ पैर बांधे हुए है और उसके पैर को गोलियों से घायल किया है। युवक की पहचान उस शख्स के रूप में की जा रही है जिसको बदमाश बताकर बीते 15 सितंबर की रात को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। आरोप था कि उसने छठी में पढ़ने वाले एक 11 साल के छात्र का अपहरण किया है। तस्वीर सामने आने पर जहां लोग इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, वहीं पुलिस अधिकारी इस आरोप को नकारते हुए सरासर अफवाह करार दे रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की खबर के मुताबिक साहिबाबाद एसएसपी हरनारायण सिंह का कहना है, जिन फोटो को फर्जी एनकाउंटर बताकर वायरल किया गया है वो फर्जी है। पुलिस का एनकाउंटर पूरी तरह से सही था। वायरल फोटो की जांच की जाएगी। इससे पहले भी योगी की पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते रहे हैं। खुलासा, एनकाउंटर करने का 8 लाख लेती है योगी की पुलिस। जयंत बोले, इन दरिंदों ने वर्दी को भी मैला कर दिया। योगी की पुलिस सुपारी एनकाउंटर कर रही है। इसका खुलासा हुआ है आज तक के स्टिंग में, जहां इंडिया टुडे की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच से सामने आया कि यूपी पुलिस के कुछ सदस्य झूठे मामलों में निर्देश नागरिकों को फंसा रहे हैं और फिर उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में शूट कर रहे हैं। ये सब तरक्की और दूसरों से पैसा लेकर किसी को ठिकाने लगाने के इरादे से किया जा रहा है। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप के खोजी पत्रकारों ने योगी के एनकाउंटर की पोल खोलकर रख दी है। स्टिंग में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी ने एक निर्दोष नागरिक की जान की कीमत 8 लाख रुपए लगाई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार साफ कहता नजर आ रहा है, दिक्कत कोई भी हो हल हो जाएगी। पुलिस अधिकारी ने रिपोर्टर से साफ साफ कहा कि मैं उसे बैंक की लूटपाट में फंसाकर उसे घायल कर जाने से मारा जा सकता है। एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को खारिज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य पुलिस निर्दोषों की जान की कीमत 8 लाख रुपए लगाती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया टुडे की टीम ने सिर्फ एक ही जगह अपनी स्टिंग किया। वो प्रदेश के हर शहरों को गए और कई पुलिस वाले पैसे लेकर एनकाउंटर करने को तैयार थे।
इस मामले पर राष्ट्रीय लोकदल रालोद के नेता जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे कि योगी राज में अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। देखिए परिणाम जब मुख्यमंत्री ठोकने की बात करते हैं। वर्दी को मैला कर दिया दरिंदों ने। गृह मंत्रालय भी योगी संभाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी नैतिकता है तो इस्तीफा देना चाहिए। थम नहीं रही बेटियों पर अत्याचार, यूपी में देवी बनी लड़की के साथ बलात्कार, जागरण में हुई वारदात। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं पर देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार पर सख्त कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। इस सब के बावजूद अपराधियों में कानून प्रशासन का कोई डर नहीं है। वो लगातार हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पवित्र रिश्तों पर कलंक लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देवी मां की अवतार बनी 12 साल की बच्ची के साथ कथित बलात्कार की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची जागरण की झांकी में दुर्गा मां बनकर जिस शेर बने कलाकार पर बैठी थी वही उसके लिए हैवान बन गया। दुष्कर्म की जानकारी पता चलने पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नाबालिग है। दरअसल बीते रविवार को साई विहार कॉलोनी में सरकारी विभाग में तैनात एक व्यक्ति ने घर में देवी जागरण कराया था। जागरण के दौरान जब झांकियां सजाने का काम और प्रदर्शन चल रहा था तब एक झांकी दुर्गा माँ की निकल गई। इसमें एक 12 वर्षीय बच्ची को देवी का रूप दिया गया था जबकि शेर का किरदार कार्यक्रम का ही अन्य युवक निभा रहा था। झांकी का समापन होने पर शेर बना कलाकार बच्ची को पड़ोस के घर में दूसरी झांकी के लिए तैयार कराने को कहकर ले गया। आरोप है कि इसी दौरान कलाकार ने बच्चे को अपने झांसे में ले लिया और बलात्कार कर डाला। फिर उसे धमकाया कि किसी से कुछ कहा तो जान से मार देगा। बच्ची ने डर के चलते रात में किसी को कुछ नहीं बताया लेकिन सुबह उसने आपबीती परिजनों को बताई। विडंबना, 6 विश्वविद्यालय खोलने वालों को चारा चोर और दर्जनों विश्वविद्यालय बर्बाद करने वाले को विकास पुरुष कहा जाता है। लालू प्रसाद फिरका परस्ती के फन को कुचल को रख देने वाला सामाजिक न्याय का योद्धा। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अचल अडिग डटे रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद का आज 71वां जन्मदिन है। बिना डिगे फिरका परस्ती से जूझने का माधा रखने वाले, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी, जयनारायण निषाद, ब्रह्मानंद पासवान आदि को संसद भेजने वाले, खगड़िया स्टेशन पर बीड़ी बनाने वाले, विद्यासागर निषाद को मंत्री बनाने वाले, आजादी के 43 वर्षों के बीत जाने के बाद भी बिहार जैसे पिछड़े सूबे में समाज के बड़े हिस्से के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु 6 नए विश्वविद्यालय खोलने वाले लोकप्रिय मकबूल व विवादास्पद नेता लालू प्रसाद की सियासत की 1995 से करीब से देखने समझने की कोशिश करता रहा हूँ। लालू प्रसाद ने 90 की शुरुआत में ये साबित किया कि जमात की राजनीति से अभिजात्य वर्ग के वर्चस्व को चुनौती देकर समाज में समता व बंधुत्व को स्थापित किया जा सकता है। मानसिक शोषण व गुलामी से बहुत हद तक निजात दिलाने में वे कामयाब रहे। जिनके पैर शूद्रों और दलितों को ठोकर मारते थे उनके दर्प को तोड़ने का काम लालू प्रसाद ने किया। आरएसएस की उन्मादी, सांप्रदायिक, विभाजनकारी व राष्ट्रभंजक राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़ी होने वाली लोकतांत्रिक शक्तियों की भूमिका व हमारे संघर्ष में उनके अंशदान को भी कभी बुलाया नहीं जा सकता। बचपन से लालू प्रसाद की जन राजनीति व लोक संवाद की अद्भुत कला को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वे सूचना व प्रसारण मंत्रालय की स्वायत्त इकाई व जनसंचार का मक्का कहे जाने वाले एशिया के सबसे बड़े संस्थान के रूप में चर्चित भारतीय जनसंचार संस्थान कभी नहीं गए। ना एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पर किसी भी मंझे हुए कम्युनिकेटर से कहीं ज्यादा कुशलता व दक्षता के साथ अपना असर छोड़ते हुए जन सामान्य से संवाद स्थापित करने की कला में छात्र जीवन से ही पारंगत नेता है। और भी दुनिया में सियासदा बहुत अच्छे, कहते हैं कि लालू का है अंदाजे बयां। और तब दूसरी जमात में पढ़ता था, मुझे ठीक ठीक ध्यान आता है जो स्मृति आज भी धुंधली नहीं हुई है। माँ मेरी अंगुली थाम भीड़ में थी, लालू प्रसाद बैरिकेड हटाने को बोल रहे हैं और पुलिस वालों को हड़का रहे हैं।
महिलाओं को आगे आने के लिए कह रहे हैं। छोटे होने का फायदा ये हुआ कि माँ के साथ मैं भी आगे बैठ गया और नजदीक से लालू प्रसाद के चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। वो रॉन यानी कि अलौली की एक विशाल जानसभा थी और लालू प्रसाद अपनी रॉ में बोल रहे थे, ओ गाय चराने वालों, ओ भैंस चराने वालों, ओ बकरी चराने वालों, ओ भीड़ चराने वालों, ओ घोंगा बीचने वालों, ओ मूस के बिल से दाना निकालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। उनकी हर अभिव्यक्ति पर जोशीली भीड़ ताली बजा रही थी। वे आज भी हिंदी बेल्ट के उन चंद धुरंधर वक्ताओं की फेहरिस्त में शुमार है जिनकी ओरेटरी का कोई जोर नहीं। क्राउड पुलिंग में आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 90 में अलौली में लालू जी का पहला कार्यक्रम था मिश्री सादा कॉलेज में। पिताजी उसी कॉलेज में गणित के व्याख्याता थे। कर्पूरी जी को याद करते हुए लालू जी ने कहा, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ बहन बेटी की गाली देते थे और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा। ज्यादा भचर भचर किए तो कुतैबो करेंगे। ये बदलाव इसलिए संभव हुआ कि कर्पूरी जी ने जो ताकत हमको दी उस पर आप सबने भरोसा किया है। बिहार में 10 साल नीतीश ने संघ को अपना पैर पसारने का भरपूर अवसर मुहैया कराया, शासकीय संरक्षण दिया। मैंने लालू को लगातार 5 चुनाव में शिकस्त खाते देखा है पर विचारधारात्मक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता के मामले में लड़खड़ाते कतई नहीं। लगातार 5 चुनाव यानी फरवरी 2005 व अक्टूबर 2005 का विधानसभा चुनाव, 2009 का लोस चुनाव, 10 का विस चुनाव एवं 14 का लोस चुनाव में करारी हार के बाद आदमी सत्ता के गलियारे में अलबला के न जाने किस किस से हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, मगर लालू प्रसाद ने भाजपा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। इसलिए वे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा बड़े नेता के रूप में अखिलियतों के बीच स्थापित है। ऐसा नहीं कि जॉर्ज, शरद, रामविलास, मुलायम की पहले की लड़ाई को लोग भूल गए हैं या उसकी कद्र नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सौहार्द के बगैर अधूरा रहेगा। लालू प्रसाद के प्रति मेरी अपनी आलोचनाएं हैं, पर सियासी मूल्यांकन सदैव निरपेक्ष नहीं हो सकता। देश की मौजूदा परिस्थिति में मेरी यही मान्यता है। ये भी सच है कि जमहूरियत में चुनाव ही सब कुछ नहीं है, वो तो राजनीति की कई गतिविधियों में से एक गतिविधि है। दुर्भाग्य है कि चुनाव को ही संपूर्ण राजनीति मान लिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक जागृति के लिए उत्तर भारत में व्यापक स्तर पर कोई पहल कम ही हुई है। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। बाकी बातें एक तरफ, लालू प्रसाद का सेक्युलर क्रेडेंशियल एक तरफ, लालू जी की इसी धर्मनिरपेक्ष छवि का कायल रहा हूं। 89 के दंगे के बाद विषाक्त हो चुके माहौल में 90 में सत्ता संभालने के बाद बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया। मौजूदा हालात में जहां धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जबरन कोशिश की जा रही है, वैसे में सामाजिक फासिवाद से जूझने का जीवट रखने वाले नेता कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। बिहार में किसी को अपना कार्यकाल पूरा करने क्यों नहीं दिया जाता था, इस पर अभी सोचिएगा। चाहे वो दारोगा राय हो, भोला पासवान शास्त्री हो, अब्दुल गफूर हो या कोई और, किसी ने अपना टर्म पूरा नहीं किया। कई मामलों में तुलनात्मक रूप से मैं लालू प्रसाद को श्री कृष्ण सिंह, केदार पांडे, विनोदानंद झा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, आजाद, जगन्नाथ मिश्रा और केबी सहाय, इनकी कार्यशैली के बारे में साहित्यकार, ट्रेड यूनियन लीडर वो एमएलए रही रामनिका जी बेहतर बताएंगे, से बेहतर मुख्यमंत्री मानता हूँ। बिहार में सरकारी स्तर पर सामंतशाही के संरक्षण पर बिहार के पहले सोशलिस्ट विधायक, सांसद व सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीएन मंडल चोट करते हैं, जब केदार पांडे की सरकार के दौरान समाजवादी विधायक सूर्य नारायण सिंह को 1973 में इतनी बर्बरता से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई। 2 मई 1973 को राज्यसभा में सवाल उठाते हुए भूपेंद्र बाबू ने कहा, जब सूर्यनारायण सिंह को पुलिस लाठी से मार रही थी उस समय पूंजीपति के घर पर बिहार का मुख्यमंत्री और एक यूनियन का नेता बैठकर चाय पी रहे थे और कहा जाता है कि इन लोगों के षड्यंत्र की वजह से ही उनको मार लगी। जलाने के समय में जब उनकी देह को खोला गया तो समूची पीठ का चमड़ा लाठी की मार से फट गया था। ऐसी हालत में अगर लोग अहिंसा को छोड़कर हिंसा का मार्ग पकड़ते हैं तो कौन सी बेजा बात करते हैं।
बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की किस बर्बरता और अमानवीयता से हत्या की गई, वह किसी से छिपा नहीं है। उन्हें घसीटा गया, लाठियां बरसाई गई, प्यास लगने पर उनके मुंह पर पेशाब करने की बात की गई और साजिश में जो रामाश्रय सिंह शामिल थे। 2005 में जब नीतीश कुमार लोजपा को ताड़कर गायमाल की तरह 17 से 18 विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, उस वक्त लोजपा से भागकर कथित रूप से 1 करोड़ में जड़ियों के हाथों बिके उस आताए को छवि प्रिय बाल गांधी नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर पर घोटाले का कहीं कोई आरोप नहीं था, पर दो दो बार उनकी सरकार नहीं चलने दी गई। 70 के उत्तरार्ध में सिर्फ सिंचाई विभाग में वे 17,000 वेकेंसीज लेकर आते हैं और जनसंघी पृष्ठभूमि के लोग राम सुंदर दास को आगे करके 1 हफ्ते के अंदर सरकार गिरवा देते हैं। जहां एक साथ इतने बड़े पैमाने पर फेयर तरीके से ओपन रिक्रूटमेंट हो, वहां मास्टर रोल पर सजातीय लोगों को बेहाल कर बाद में उन्हें नियमित कर देने की लत से लाचार जातिवादी लोग इस पहल को क्यों कर बचाने लगे। श्री कृष्णा सिंह के बाद अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने वाले लालू प्रसाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अंतर्विरोधी से दो चार होना भारतीय लोकतंत्र की नियति बनती जा रही है, जो कचोटता है जिसने संचय संग्रह की प्रवृत्ति से पार पा लिया। वह संसदीय राजनीतिक इतिहास में कर्पूरी ठाकुर मधु लिम्बे की भांति अमर हो जाएगा। ऐसे त्याग की भावना के साथ जनसेवा करने वाले जनता के नुमाइंदे विरले आते हैं, पर मैं आश्वस्त हूँ कि आज भी भले लोग हैं जो ओछी महत्वाकांक्षाओं से परे समाज में परिवर्तन के पहिए को घुमाना चाहते हैं ताकि व्यक्ति की गरिमा खंडित न हो, सब लोगों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित हो सके। लालू और नीतीश में एक बड़ा फर्क ये भी है कि जहां लालू के समय में अफसरशाही को अपनी हद पता थी, वही नीतीश के काल में अफसर नंगा नाच करने में कोई असर नहीं छोड़ते। गरीब गुरबों, कमजोर वर्गों पर पूरी नीचता के साथ ढोस जमाने का कोई मौका नहीं जाने देते। पिछले दिनों जिस बेशर्मी के साथ एक सीओ एक महिला के साथ गाली गलौज कर रहा था, उसे लगता है कि वो सीओ ने हुआ कि पूरा अंचल ही उसके अब्बाजान की जागीर हो गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट के साथ आम जनता को भेड़ बकरी समझने वाले अफसरन के लिए लालू प्रसाद का स्टाइल ही ठीक था, जो रोजाना डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करते थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीपन करने के काम में लगे रहते थे। अब इसे कोई खैनी लटवाने के प्रसंग से जोड़कर आईएएस की तौहीन समझे तो उनकी इच्छा। इसके पीछे जो सामाजिक जागृति के संदर्भ में राजनीतिक संदेश था वो बेहद गहरा था। प्रवचन करने से पहले थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पन्ने भी कभी कभार उलट लेना चाहिए। लालू प्रसाद से पहले बिहार में कोई मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ जो इतना भी संवेदनशील हो कि हर माह विशेष कष्ट के दिनों में कामकाजी महिलाओं के लिए 2 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान करे। बहुधा मीडिया निर्मित धारणा प्रधान समाज में पुष्पित पल्लवित महिलाएं भूल जाती है कि महीने के विशेष कष्ट के दिनों में उनका विशेष ख्याल करते हुए लालू ने सत्ता में आने के 2 साल के अंदर सेवारत खवातीन के लिए यह व्यवस्था कर दी। लालू को गरियाने से पहले जरा गूगल कर ले कि जो काम लालू ने आज से 25 साल पहले कर दिया था, वो काम आज भी इस देश के कितने सूबों के मुख्यमंत्री कर पाए है, ये तो सरासर कृतघ्नता है। कम से कम वो तो गवार सीएम रहे लालू का मजाक उड़ाना बंद कर दे, उन्हें तो कायदे से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे अधिक ब्लॉक लालू ने बनाए, सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय लालू ने खोले। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने 5 स्टेट यूनिवर्सिटी सत्ता में आने के 2 साल के अंदर और राबड़ी जी ने 1 यूनिवर्सिटी 8 माह के भीतर खोल दी। पर इसकी चर्चा अपने किस मीडिया चैनल पर आज तक नहीं सुनी होगी। मोदी जी ने 3.5 साल में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली, जरा कोई पता करे, मुझे भी जिज्ञासा हो रही है। उल्टे आए दिन ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज पर दृष्टि डालकर उन्हें प्राइवेट हाथों के हवाले कर देना चाहते हैं। आजादी के बाद के बिहार में मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें तथाकथित सुशासन बाबू का भी नाम शुमार है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के नाम 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय नहीं है, सिवाय लालू प्रसाद को छोड़कर। क्या नीतीश ने एक भी विश्वविद्यालय की स्थापना की? लालू प्रसाद ने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती 2 वर्षों में बिहार को 5 नई यूनिवर्सिटी छपरा, आरा, हजीराबाग, मधेपुरा और दुमका में दी। एक तुरंत उसके बाद राबड़ी देवी के कार्यकाल में 1998 में पटना में मिली।
इतना करने में पूर्ववर्ती सरकारों को आजादी के बाद 43 साल लग गए। लालू की रफ्तार खुद ही सारा किस्सा बयां करती है कि समाज के बहुत बड़े वंचित वर्गों के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके अंदर क्या उमंग थी, बाद में कब कैसे क्या जाल बुने गए, क्या खोल हुए, हम सब उससे वाकिफ है। ऐसे व्यक्ति को भी जाहिल, गवार और दृष्टिविहीन नेता साबित करने में मीडिया और बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ये रही सूची उन नए विश्वविद्यालयों की, मुझे कुछ नहीं कहना है। जेपी विश्वविद्यालय छपरा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।